हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो गाइस, आज ट्रेवर जा रहा है ड्रोन खरीदने। जी हाँ, ड्रोन। और ड्रोन खरीद के वो इस ड्रोन को फ्लाई करेगा और देखते हैं कि वो कहाँ पे फ्लाई करेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रेवर कैसा है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे ले जाकर इस ड्रोन को फ्लाई करेगा। तो फाइनली अभी वो एक स्टोर में आ गया है और यहाँ पे यार बहुत सारे कपड़े मिल रहे हैं एंड शूज, सिलाई मशीन भी रखी हुई है, लेकिन जो ट्रेवर को चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली वो शॉपकीपर के पास जाके बोलता है कि मुझे ड्रोन चाहिए, और जो शॉपकीपर है वो कहती है, लीजिए सर, आपका ड्रोन हाजिर है। तो गाइस, ट्रेवर को ड्रोन पसंद आ गया है और उसे उसने पैक करा के अब लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था, उसे कुछ कपड़े भी पसंद आए, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं यार, कपड़े ही ले लूँ। फिर उसे याद आया कि यार सारे पैसे तो ड्रोन में ही खर्च हो गए, पैसे बचे नहीं हैं, इसलिए वो बाहर चला गया है। तो फाइनली उसने ड्रोन अपनी कार की डिग्गी में रख लिया है और अब यहाँ से वो निकल रहा है मिलिट्री हेडक्वार्टर के लिए, जहाँ पे वो ड्रोन फ्लाई करेगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे ड्रोन अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रेवर कोशिश कर रहा है कि वो उड़ाने की कोशिश कर रहा है। यार इस बंदे को हटाओ यार, इस पीले वाले को मरमरा जाएगा, तो फिर देख रहे हो कितना जिद्दी बंदा ये। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एयरपोर्ट पे ड्रोन अलाउड नहीं होता है, लेकिन ड्राइवर की उल्टी खोपड़ी हमेशा उल्टा काम करती है और वो इस ड्रोन को मिलिट्री हेडक्वार्टर पे उड़ाएगा। तो गाइस, लॉस सैंटोस में अभी ट्रैफिक बहुत कम है और बहुत ही सनी डे है, तो ट्रैवल निकल चुका है मिलिट्री हेडक्वार्टर के लिए और इस ब्रिज को पार करते ही वो मिलिट्री हेडक्वार्टर की गेट पे होगा और देखते हैं कि जो वहाँ पे सोल्जर है वो ट्रेवर को अंदर जाने देगा या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे जो सोल्जर है उसने ट्रेवर को वार्निंग दी है कि इस प्लेस को जल्दी से जल्दी खाली कर दो, नहीं मैं तुम्हें शूट कर दूँगा, मतलब वो यहाँ से जाने नहीं देगा। तो गाइस, देखते हैं ट्रेवर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहाँ से जाता है। तो गाइस, जो ड्रोन है, ड्रोन उड़ाएगा ट्रेवर यहीं से। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रेवर एक पायलट भी है और उसे नए नए प्लेन्स और ये सब उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन उसे मिलिट्री का प्लेन भी उड़ाना पसंद है, लेकिन आज तक उसने मिलिट्री का प्लेन नहीं उड़ाया है, इसीलिए वो ड्रोन से मिलिट्री हेडक्वार्टर पे की फुटेज लेगा और देखेगा कि यहाँ पे कौन कौन से फाइटर जेट अवेलेबल हैं। तो गाइस, अभी ट्रेवर के सामने एक बारह सिंगा है और ट्रेवर इज़ वेटिंग टू पास, मतलब चला जाए ये बारह सिंगा, नहीं तो ये बारह सिंगा अगर हम पे अटैक कर देगा तो हमारी कार भी डैमेज हो जाएगी। और ये हमारी कार कौन सी है गाइस? ये है सुपर कार फरारी। तो फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां से ट्रेवर ड्रोन उड़ाएगा। तो सबसे पहले ट्रेवर जाके देखेगा कि ये गुड प्लेस है या नहीं ड्रोन उड़ाने के लिए। तो यार जैसे ये जा रहा था, यहां पे कुछ इसको दिखा और ये देखिए गाइस, ये पंछी भी आजकल लोगों से नहीं डरते यार। तो ट्रेवर सोच रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन छोड़ो, हमें तो ड्रोन उड़ाने से मतलब है, अभी तक उड़ा नहीं यार वो। तो गाइस, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास में है। तो यहाँ से ट्रेवर ड्रोन उड़ाएगा और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की सारी प्लेन्स और वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है उसकी फुटेज अपने ड्रोन में कैप्चर करेगा। तो गाइस, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन टू फ्लाई ड्रोन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू आवर कार टू टेक आउट अवर ड्रोन एंड देन वी विल फ्लाई इट। तो फाइनली हमारा ड्रोन उड़ चुका है एंड दिस इज़ आवर न्यू ड्रोन विच वी हैव ब्रॉट टुडे।
तो गाइस देखिए ड्रोन कितना अच्छे से उड़ रहा है, और ये देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल रिवर है पास में। तो गाइस इस रिवर के पास में ही है मिलिट्री हेडक्वार्टर, जहाँ पे ड्रोन जाएगा और वहाँ की जो भी एक्टिविटी है और जितने भी प्लेन्स है वो सब को इस फुटेज में कैप्चर किया जाएगा, बिकॉज़ ड्राइवर को प्लेन से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। उसने बहुत तरह के प्लेन उड़ाए हैं, लेकिन उसने मिलिट्री का प्लेन आज तक नहीं उड़ाया। इसी क्यूरियोसिटी के साथ उसने अपने ड्रोन को यहाँ फ्लाई किया है। लेकिन गाइस हमें शोर से सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है और आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, और यहाँ पे बमबारी भी की जा रही है। तो गाइस देखिए ये है फाइटर जेट 996, और ये बहुत ही तेज़ गति से चलने वाला फाइटर प्लेन है, और ट्रेवर इसकी इस प्लेन की सारी फुटेज अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। एंड ये देखिए कितना मस्त प्लेन है ये। तो गाइस फाइनली हमने ये देख लिया, लेकिन हमें अभी भी देखिए गाइस बम से इस ड्रोन पे हमला किया जा रहा है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है और यहाँ पे ना तो आप प्लेन ना ही ड्रोन उड़ा सकते हो। अगर आपने ड्रोन या कुछ भी उड़ाने की कोशिश की तो फाइटर जेट से उस चीज़ को ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे एक सोल्जर है जो ड्रोन को शूट करने वाला है, एंड वी आर जस्ट चेकिंग कि ये शूट करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस मैं इसके ड्रोन को इसके पास ले जा रहा हूँ और देखते हैं कि ये हमें शूट करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस देखते हैं इसके पास जाके। तो मैंने यहाँ पे ड्रोन लैंड कर दिया है। अरे यार भाई इसके लग, अरे यार इसके चोट लग गई यार। मैं चाहता नहीं था ये मरे, लेकिन ड्रोन की ब्लेड से ये घायल हो चुका है, तो यहाँ से भागने में ही फ़ायदा है। ये देखिए ड्रोन कैसे ऑपरेट किया जा रहा है। तो गाइस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी हेयर। यहाँ पे यार पत्थर्स भी हैं। तो गाइस यहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि देखिए यही प्लेन हम पे बम छोड़ रहा है, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें एक भी बम नहीं लगा है। और वो देखिए प्लेन वो दोबारा घूम जाएगा। तो गाइस अभी मुझे दिखा है एक टैंकर, तो अब हम जा रहे हैं इस टैंकर को चेस करने, क्योंकि हमें ये भी पता करना है कि ये टैंकर मिलिट्री अपने टैंकर्स कहाँ पे छुपा कर रखती है। तो अभी हम इसका पीछा करेंगे कि ये जा कहाँ रही है, ये टैंकर जा कहाँ रहा है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज यहाँ पे जो फाइटर जेट है वो लगातार हम पे मिसाइल से अटैक कर रहा है कि हमारा ड्रोन ब्लास्ट हो जाए, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है और मैं इसको थोड़ा नीचे ही उड़ाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा ऊपर उड़ाया ड्रोन को तो फाइटर जेट अपने मिसाइल से इस ड्रोन को ब्लास्ट कर देगा। तो गाइस जो टैंकर है वो देखिए गाइस बम लगते लगते मुझे बचाया और फाइटर जेट हमारे आगे से ही निकल गया। तो गाइस यहाँ पे मिलिट्री के टैंक खड़े होते हैं, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या अगर हम अपना ड्रोन इस टैंकर पे लैंड करें तो क्या फाइटर जेट अपनी मिसाइल यहाँ पे फेंकेगा। अगर फेंकेगा तो उसकी एक टैंकर, उसको एक टैंकर का नुकसान होगा। सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या फाइटर जेट यहाँ भी बम गिराएगा कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ड्रोन को लैंड कर दिया है, और यहाँ पे जो हजार्ड है एक अलार्म बजने लगा है कि टैंकर इज इन डेंजर। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ फाइटर जेट का कि वो आए और यहाँ पे एक बम फोड़े, जिससे देखते हैं कि ये टैंकर ब्लास्ट होगा कि नहीं।
तो गाइस दिस मिलिट्री पीपल आर सो क्लेवर, वो इस टैंकर पे बम फोड़ ही नहीं, फेंक ही नहीं रहे हैं, वो इस टैंकर पे बम फेंक ही नहीं रहे, तो इसलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे हम लोग एंट्री करते समय हमें सोल्जर ने मना कर दिया था कि तुम यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते, तो मैं उसको उसके पास ड्रोन लेके जा रहा हूँ और उसको दिखाना चाहता हूँ कि भाई तूने वहाँ से तो एंट्री नहीं दी लेकिन हमने फिर भी जो हमारा मिशन था इस मिलिट्री हेडक्वार्टर की मैपिंग करना और यहाँ के जितने भी प्लेन्स हैं उनके बारे में जानकारी करना हासिल कर दिया है। तो देखते हैं गाइस अब इस सोल्जर का रिएक्शन क्या होता है हमारे ड्रोन को देख के। तो गाइस ये इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू पास ड्रोन फॉर्म देयर। तो फाइनली मैं उस गार्ड उस सोल्जर के पास आ गया हूँ जिसने हमें मना कर दिया था। तो गाइस इसने फिर अपना डायलॉग चालू कर दिया कि इस एरिया को जल्दी से जल्दी लीव करो। तो गाइस ये जो फुटेज देख रहे हैं आप डायरेक्ट कैमरा से देख रहे हैं एंड ये देखिए फोर्ट जॉन गुडो ऑब्जर्व ऑल वार्निंग साइन स्टॉप द। तो गाइस ये ट्रेवर कंट्रोल कर रहा है इसको। तो गाइस ये देखिए मैं नहीं चाहता कि ये सोल्जर भी उस सोल्जर की तरह जख्मी इंजर्ड हो जाए, तो ये सोल्जर बैकआउट कर चुका है। तो गाइस अब हमें भी यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी चाहिए बिकॉज ड्रोन की बैटरी डाउन हो रही है और अगर मैंने ड्रोन को जल्दी से लैंड नहीं किया तो ये ड्रोन क्रैश हो सकता है। तो फाइनली गाइस ड्रोन अपने लैंडिंग लोकेशन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि ड्रोन की बैटरी बहुत कम है एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द रिवर। तो फाइनली ड्रोन अपने लैंडिंग पॉइंट पे आ चुका है और हमने बहुत सारी फुटेज जो कि इस मिलिट्री हेडक्वार्टर की है एंड प्लेन्स की हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है एंड हम लोग घर जाके देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट इन दिस मिलिट्री हेडक्वार्टर समडे। तो फाइनली जो अपना ड्रोन है वो लैंड हो गया है, होने वाला है, मतलब हुआ नहीं है, अब फाइनली अपना ड्रोन लैंड हो चुका है। तो गाइस ट्रेवर फाइनली उतर गया। अरे यार ये गाड़ी कौन लेके आ गया यहाँ पे, पता ही नहीं चला यार, ड्रोन ये उड़ा रहा था इसको पता ही नहीं चला कि कौन गाड़ी है। तो गाइस यहाँ पे ड्रोन फंसा के डिग्गी में रख दिया गया है और अब यहाँ से निकलने की बारी है क्योंकि देखिए जो फाइटर जेट है वो यहाँ भी बम गिरा रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारी इस ब्यूटीफुल कार पे फाइटर जेट बम गिरा दे, तो यहाँ से फटाफट भागने में ही भलाई है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज हमारी कार से एक्सीडेंट हो चुका है और ये खरगोश मर गया, तो इसके लिए 2 मिनट का साइलेंस आप ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था हमारा ड्रोन एडवेंचर मिशन एंड आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट गेम प्ले में। टिल देन सी यू गाइज़।